दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एम्स में निकली हुई वैकेंसी की बात करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी आपकी नहीं लगेगी, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी फिजिकल फॉर्म भर के आपको कहीं भी नहीं भेजना है, जस्ट इनकी ईमेल आईडी पर अपना सीवी भेजना है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर ईमेल आ जाएगा। यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी, जिसमें आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड बी की वैकेंसी है और दूसरी जो है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। तो हम पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ये ग्रेड सी की पोस्ट है और यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो 31,000 रुपये सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। आपने बैचलर डिग्री जो की हो वो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में की हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से की हो। और यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 15,000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। यहाँ पर कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी है, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। डिजायरेबल में यहाँ पर जैसे कि आपका एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब पेज डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए और जावा स्क्रिप्ट है जैसे, ठीक है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए डिजायरेबल में। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज लिमिट यहाँ पर 30 रखी गई है, 30 ईयर से आपकी ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एज रिडक्शन भी दिया जाएगा, जैसा कि एस सी एस टी को 5 ईयर्स का और ओबीसी को 3 ईयर्स का यहाँ पर एज रिडक्शन दिया जाएगा। और बात करें यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए इनकी ये ईमेल आईडी दी गई है, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपना सीवी जो है वो भेज देना है। और यहाँ पर आपको सीवी में अपना जो है ईयर ऑफ पासिंग एक्सपीरियंस मार्क ये सब जो है पूरा डिटेल में मेंशन करना है। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल भी आ सकता है या फिर ईमेल पर भी आपको बुलाया जा सकता है या फिर आपको SMS भी किया जा सकता है। तो जो पहली पोस्ट थी वो थी आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो चाहे तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी वो 32,500 एक पोस्ट है। और यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगी गई है जो कि आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से आपने की हो, या फिर आपने BE किया हो, BTEC किया हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से किया हो। यहाँ पर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए अगर आपके पास पहला वाला मास्टर डिग्री नहीं है तो। ओके, और डिजायरेबल में भी यहाँ पर कुछ दिया गया है, अगर आपके पास ये डिजायरेबल नहीं है तो भी आप इसमें इजिली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एज लिमिट यहाँ पर जो रखी गई है वो आपकी 30 ईयर्स रखी गई है और इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, आपको जस्ट अपना सीवी जो है वो इस ईमेल आईडी पर भेज देना है और आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो काफी इजी है इसमें अप्लाई करना और कोई भी आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं लग रही है और ना ही कोई आपका एग्जाम होने वाला, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो ये भी अच्छी बात है। अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। और हाँ, ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ये आप याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है प्योरली, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इसी वैकेंसी के बारे में बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।